ये वाला चूल्हा था जी। ब्रुल, आप यकीन करें अल्लाह ने बचाए, आंडे को चूल्हे के ऊपर रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम खवातीन और हज़रात, वेलकम टू ज़ीशान हैदर व्लॉग्स। यार आज का जो व्लॉग है ना, बस अल्लाह ने बचाया मुझे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, अपना एक बात शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ के बैठे बैठे मेरे दिमाग में बातें जो उनसी चलती हैं ना, वो बहुत खतरनाक चलना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने भाई पता क्या किया, आज मैं मार्केट से लाया था अंडे, तो बैठे बैठे ऐसे बैठा हुआ चाय पी रहा था मैं, तो मैंने कहा यार अगर अंडे को चूल्हे के ऊपर रखा जाए और उसको पकाया जाए तो क्या हो। मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। तो मैंने अंडे को रखा और मैंने पकाया, आप यकीन करें अल्लाह ने बचाया। एक घंटा लिया मैंने उसको, वो चूल्हा आता है ना लोहे का, ऐसे करके उसमें सुराख से बने होते हैं, उसमें मैंने अंडे को ऐसे ऊपर रखा और भाजी मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 5-6 मिनट गुजरे होंगे, अंडा करता बुल धमाके की आवाज आई और अंडा पड़ गया। तो ऐसा काम कभी भी घर में मत कीजिएगा, कभी अंडे को कहीं डायरेक्ट आप आग के ऊपर रखते हैं या चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो वो फट जाता है। तो मुझे नहीं पता था तो मैंने एक्सपीरियंस किया, तो मैं आए आपको अंडे की हालत दिखाता हूँ। इधर आए जी, इधर आए, चेक करें जी, ये अंडे साहब की हालत हुई है। ये देखें जी, ये अंडा था, इसको जो है वो मैंने चूल्हे के ऊपर रखा और उसकी ये हालत हुई है। ये वाला चूल्हा था जी, और इस चूल्हे के ऊपर मैंने जो है वो अंडा रखा था। इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं डॉट्स बने होते हैं, तो इसके ऊपर मैंने रखा था तो धमाका हुआ, और आप जैसा कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है ना वो ये अंडा साहब के जो है वो निशानात मौजूद हैं। हादसे के बाद की वीडियो आप देख रहे हैं, तो यार पता नहीं क्या हुआ, धमाका ही हुआ। और बस शुक्र है कि मैंने चेहरा आगे नहीं किया हुआ था, वरना ही मुंह के ऊपर आगे छींटे गिरनी थी। तो अंडे का हो गया हाल बुरा। अंडा भाई साहब का हाल ये ऐसा हो गया है जी अंडा, तो चेक करते हैं कि पका कितना कितना कर पका है ये अंडा। अंडा जी ले आए हम कमरे में और हम देखते हैं कि कैसे इसके तासुरात है। वैसे तो अंदर से तो सारा पक गया, लेकिन ये साइड से ना इसका पानी पानी सा निकल रहा है, तो मैं अंडे को खोलने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए होए 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 होए, एक साइड से कच्चा है और एक साइड से पक गया है, तो कच्चा पक्का टाइप सा अंडा हो गया है। यहाँ देखें जी, ये हालत हो गई अंडे की, तो मतलब है कि पका ऐसा कि खाया जा सकता है, और खा के दिखाते हैं आपको। सही बना हुआ, तो ये छोटा सा ही एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। मेरे दिमाग में एक बात चली तो मैंने कहा यार लोग एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप इस तरह का काम अपने घर में हर गिज मत कीजिएगा, क्योंकि इट्स अ डेंजरस चीज। ओके जी, अगर आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया तो काइंडली जो मेरे दोस्त चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ, और ये बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली नई से नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। तो इसके साथ ही मुझे ज़ीशान को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।